नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेशनल फ्लाइटों की आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि फ़्लाइटों को लेकर यहाँ पर कौन कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। तो पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर थाईलैंड की तरफ से आ चुकी है। तो आपको बता दें कि थाईलैंड की गवर्नमेंट का आगे आने वाले समय में ये टारगेट है कि वो ट्रैवलिंग को पूरे तरीके से खोलने वाली है। इसके साथ साथ वो यहाँ पर 1 मिलियन पैसेंजर्स की भी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले कुछ सालों में थाईलैंड में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पैसेंजर्स घूमने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते थाईलैंड में पूरे तरीके से टूरिज्म को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर फिर दोबारा से धीरे धीरे टूरिज्म की शुरुआत की जा रही है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर मलेशिया की तरफ से आ रही है। तो आपको बता दें कि मलेशिया भी अब यहाँ पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स को आने की परमिशन देने लगा है। 16 सितंबर से यानी कि कल से यदि आप मलेशिया में ट्रेवल करके जाना चाहते हैं तो मलेशिया में 99 आयरलैंड तो पूरे तरीके से खोल दिया गया है। तो यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो अब आप मलेशिया में घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरेबिया की तरफ से आ चुकी है। तो आपको बता दें कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया आप जाना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है कि क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा अब यहाँ पर क्वारंटीन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि अब आपका सऊदी अरेबिया में जाने पर केवल 5 दिन का ही क्वारंटीन होगा, वो भी केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है। और यदि आपने सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हुई है फिर आपको सऊदी अरेबिया में जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। केवल और केवल आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी होगा। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये साफ साफ बोल दिया है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को दिसंबर महीने में खोलने वाली है, क्योंकि जैसे यहाँ पर पहले उम्मीद की जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट क्रिसमस के आसपास ही अपनी फ्लाइटों को चालू कर सकती है। इससे पहले कुछ लोगों को यहाँ पर ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ट्रायल बेसिस पर कुछ देशों के साथ फ्लाइटों को चालू कर देगी या फिर वैक्सीन पासपोर्ट के जरिए फ्लाइटों को चालू कर देगी। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस पर अभी तक कोई भी नई डिटेल गाइडलाइन नहीं आई है। लास्ट अपडेट जो आया था उस अपडेट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट दिसंबर महीने में ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर चाइना की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि चाइना जो है अब यहाँ पर यूरोप के लगभग सभी देशों से अपनी फ्लाइटों को खोल रहा है, जिससे कि जो लोग भी इस समय चाइना से यूरोप जाना चाहते हैं या फिर यूरोप से चाइना जाना चाहते हैं तो वो सभी लोग अब चाइना के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से भारत से फ्लाइटों को चालू नहीं किया गया है और इसके साथ साथ चाइना ने भारत के साथ साथ दुनिया के 11 और देशों से अपनी फ्लाइटों को बंद रखा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत में इस समय 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि चाइना में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइटें ना चालू होने के कारण ये सभी स्टूडेंट्स चाइना में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही थी इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तरफ से, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।